इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल सेक्शन में पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर के एक्सपेरिमेंट को जानेंगे। पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर को एज एंटी हेलमेंटिक यूज किया जाता है, जिसका यूज वार्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का जो एम है टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 10 ml ऑफ पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर। इस एक्सपेरिमेंट के जो रिक्वायरमेंट है, एपरेटस पोर्शन में हमें मोटर एंड पिस्टल चाहिए, वेइंग बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर, स्पैचुला, बीकर और ग्लास रड चाहिए। वैसे ही केमिकल पोर्शन में हमें पाइपराजिन सिट्रेट चाहिए, स्पिरिट या तो क्लोरोफॉर्म स्पिरिट या फिर पेपरमिंट स्पिरिट, ग्लिसरीन चाहिए, टेट्राजिन सॉल्यूशन चाहिए, सिरप चाहिए और प्यूरिफाइड वाटर चाहिए। पाइपराजिन सिट्रेट पाइपराजिन एनहाइड्रस और साइट्रिक एसिड के रिएक्शन से हमें मिलता है। अब हम एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूला को जानते हैं। इंग्रेडिएंट में सबसे पहले जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है पाइपराजिन सिट्रेट, वो हमें 187.5 ग्राम चाहिए। ये मास्टर फॉर्मूला है, ये 1000 ml एलिक्सर के लिए है। सिंपल सिरप 500 ml चाहिए, ग्लिसरीन 100 ml चाहिए, टेट्राजिन सॉल्यूशन 15 ml चाहिए, पेपरमिंट स्पिरिट 5 ml चाहिए और प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट टू 1000 ml। मींस दैट जो और इसके अलावा जो लेफ्ट पोर्शन रहेगा वो वाटर का रहेगा। पाइपराजिन सिट्रेट एपीआई है जो एज एंटी हेलमेंथिक एक्ट करता है। स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे सिंपल सिरप यूज करते हैं। को सॉल्वेंट ग्लिसरीन है। टेट्राजिन सॉल्यूशन कलर इम्पार्ट करता है। पेपरमिंट स्पिरिट से अल्कोहल मिलता है। एलिक्सर में अल्कोहल के प्रेजेंस 4-40% रहता है। एलिक्सर इसीलिए सिंपल सिरप से डिफरेंट है। प्यूरिफाइड वाटर चाहिए। अब थ्योरी पोर्शन जानते हैं एक्सपेरिमेंट का। सबसे पहले एलिक्सर के बारे में जानेंगे। एलिक्सर एक क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, जिसको ओरली हम यूज करते हैं। एलिक्सर सिंपल सिरप से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 4-40% अल्कोहल प्रेजेंट रहता है। अल्कोहल एलिक्सर में होने के कारण ये सॉल्यूशन को स्टेबल बनाता है। फर्दर अल्कोहल एज प्रिजर्वेटिव यूज होता है, और जो नॉन वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसको सोल्यूबलाइज भी अल्कोहल करता है। एलिक्सर कंटेन्स अल्कोहल इन द रेंज ऑफ 4-40%, विच इज हेल्पफुल इन डिसॉल्विंग नॉन वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। अब हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पाइपराजिन सिट्रेट के बारे में जानेंगे। पाइपराजिन सिट्रेट को हम एज एंटी हेलमेंथिक मेडिकेशन यूज करते हैं, जिसका हम यूज वॉर्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में करते हैं। वैसे वॉर्म इन्फेक्शन जो राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म से कॉज होते हैं। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं पाइपराजिन सिट्रेट का। तो पाइपराजिन सिट्रेट पैरासाइटिक वॉर्म को इम्यूबलाइज करते हैं पैरालिसिस के थ्रू। पैरालाइजेस द पैरासाइटिक वॉर्म, पैरालाइज हो जाएगा पैरासाइटिक वॉर्म, तो ये इम्यूबलाइज हो जाएगा। और जो पैरासाइटिक वॉर्म के होल्डिंग कैपेसिटी थे वो खत्म हो जाएंगे और ये बाय स्टूल पास आउट हो जाएंगे फ्रॉम द बॉडी। स्टूल के थ्रू पैरासाइटिक वॉर्म को अच्छे से पास आउट कराने के लिए पाइपराजिन सिट्रेट के साथ पुर्गेटिव का भी यूज किया जाता है। पाइपराजिन के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो पाइपराजिन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये पाइपराजिन का स्ट्रक्चर है। लास्ट में हम एंटी हेलमेंथिक के केमिकल क्लासिफिकेशन को भी जानेंगे। एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स के रोल को जानते हैं। सबसे पहले सिंपल सिरप। सिंपल सिरप को एज स्वीटनर यूज करते हैं, जो एसिडिक टेस्ट होता है, एसिडिक टेस्ट ऑफ पाइपराजिन सिट्रेट, उस टेस्ट को सिंपल सिरप मास्क करता है। फर्दर ग्लिसरीन का यूज करते हैं। ग्लिसरीन एज को सॉल्वेंट यूज होता है इस एक्सपेरिमेंट में। सिंपल सिरप और ग्लिसरीन स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फर्दर विस्कोसिटी को भी बढ़ाते हैं, मेनली विस्कोसिटी को ग्लिसरीन बढ़ाते हैं। अब पेपरमेंट स्पिरिट के रोल को जानते हैं। पेपरमेंट स्पिरिट में जो अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं वही काफी हैं इस एलिक्सर के प्रिपरेशन में। इसमें बाहर से कोई अदर एडिशन नहीं होता है अल्कोहल का। पाइपराजिन सिट्रेट जो कि सिट्रेट साल्ट है पाइपराजिन का, वो ऐसे ही वाटर में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए इसमें फर्दर अलग से कोई एडिशन नहीं चाहिए होता है अल्कोहल का। यही अल्कोहल पेपरमेंट स्पिरिट का काफी है इस हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन के लिए। पेपरमेंट स्पिरिट एज फ्लेवरिंग एजेंट ही यूज होता है। इसमें जो अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी एक्ट करते हैं।
टाट्राजाइन सॉल्यूशन जो इस एलिक्सर के प्रिपरेशन में यूज हो रहे हैं, इसको कलर इम्पार्टिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। इम्पार्ट कलर टू द प्रिपरेशन। टाट्राजाइन सॉल्यूशन सिंथेटिक लेमन येलो डाई होता है। इट इज सिंथेटिक लेमन येलो एजो डाई। और लास्ट में पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर, जिसको हम एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, पोजेसेस फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर को मेनली चाइल्ड में एडमिनिस्टर किया जाता है टू ट्रीट वॉर्म इन्फेक्शन एज एंटी हेलमेंथिक, जिसको एंथेलमेंटिक के नाम से भी जानते हैं। पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर को चाइल्ड में एडमिनिस्टर करने का एडवांटेज है कि इसमें अल्कोहल का प्रेजेंस उतना नहीं होता है, जिसके कारण पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर सेफ है पेडियाट्रिक यूज के लिए। जो डोज रिकमेंडेड है इस एलिक्सर का वो जानते हैं। थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए 4-15 ml डोज रिकमेंडेड है। वॉर्म इन्फेक्शन के लिए 30 ml डोज रिकमेंडेड है। ये सिंगल डोज होता है, इसको डिवाइडेड डोज के तौर पे देते हैं। ये डिसएडवांटेज है इस एलिक्सर प्रिपरेशन का। फर्दर पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर को एज एंटी हेलमेंथिक यूज करते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया। अब हम स्टोरेज जान लेते हैं पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर का। तो पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर को वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना है, कूल ड्राई और डार्क प्लेस पे, जहां पे लाइट नहीं जाता हो। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जो कॉशियस लेबलिंग होगा इस एलिक्सर प्रिपरेशन पे वो होगा, डू नॉट डाइल्यूट द प्रिपरेशन विद वाटर। इस एलिक्सर को डाइल्यूट नहीं करना है वाटर के साथ। पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानेंगे। सबसे पहले हमें जितने अमाउंट प्यूरिफाइड वाटर के जरूरत है उसको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट द अप्रोक्स अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन of the pyrazine citrate elixir। कितने अमाउंट हमें प्यूरिफाइड वाटर के चाहिए इसको हम मास्टर फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। 10 ml पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर में 1.8 ग्राम पाइपराजिन सिट्रेट चाहिए, सिंपल सिरप 5 ml चाहिए, ग्लिसरीन 1 ml चाहिए, टाट्राजाइन सॉल्यूशन 0.15 ml चाहिए, पिपरमेंट स्पिरिट 0.05 ml चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशियंट टू 10 ml। यहाँ से हम कितने प्यूरिफाइड वाटर चाहिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये 8 आएगा, मींस दैट हमें 2 ml प्यूरिफाइड वाटर चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए। 2 ml प्यूरिफाइड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन। सेकेंड स्टेप में हम पाइपराजिन सिट्रेट जो API है उसको डिसॉल्व करेंगे। 2/3 ऑफ द प्यूरिफाइड वाटर, डिसॉल्व द API इन 2/3 ऑफ the purified water। 2/3 purified water कितना होगा, 2/3 × 2, 4/3 = 1.33 ml। 1.33 ml में हम पाइपराजिन सिट्रेट 1.8 ग्राम को डिसॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें पाइपराजिन सिट्रेट सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड स्टेप में जो हमें पाइपराजिन सिट्रेट सॉल्यूशन मिला उसमें स्पिरिट और ग्लिसरीन को कंटिन्यूअस मिक्सिंग से ऐड करेंगे। ऐड स्पिरिट एंड ग्लिसरीन टू द पाइपराजिन सिट्रेट सॉल्यूशन विथ कंटिन्यूअस मिक्सिंग। फोर्थ स्टेप में जो हमें सॉल्यूशन मिला स्प्रिट और ग्लिसरीन को पाइपराजिन सिट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद, उसमें सिंपल सिरप को ऐड करेंगे यूनिफॉर्म मिक्सिंग के साथ टू द ऑब्टेंड अबव सॉल्यूशन। ऐड सिंपल सिरप विथ यूनिफॉर्म मिक्सिंग। फिफ्थ स्टेप में टाट्राजाइन डाई सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। ऐड टाट्राजाइन डाई सॉल्यूशन टू इम्पार्ट कलर टू द प्रिपरेशन। सिक्स्थ स्टेप में एडजस्ट करेंगे फाइनल वॉल्यूम को प्यूरिफाइड वाटर के साथ 10 ml तक। एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम
with purified water to 10 ml means that इसमें approx 0.67 ml water add होगा और तब ये 10 ml preparation बनेगा। उसके बाद elixir preparation को transfer करेंगे, transfer the elixir to narrow mouth bottle के बाद लेबल करेंगे और सबमिट करेंगे। ये लेबलिंग है पाइप्राजिन सिट्रेट एलिक्जर का, जिसको वाइड माउथ बोतल जिसमें हम एलिक्जर को स्टोर करेंगे उसके ऊपर इसको चिपकाना है। इस एलिक्जर प्रिपरेशन में जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ उसमें पाइप्राजिन सिट्रेट एज एपीआई यूज हुआ, सिंपल सिरप यूज हुआ एज स्वीटनर, ग्लिसरीन एज को सॉल्वेंट, टेट्राजाइन सॉल्यूशन कलर इम्पार्ट करने के लिए, पाइप्रेमिंट स्पिरिट एज फ्लेवरिंग एजेंट और अल्कोहल के लिए भी, और प्यूरिफाइड वाटर डोज राउंड वॉर्म के लिए 30 ml है, रेड वॉर्म के लिए 4 to 15 ml है। इसका यूज एज एंटी हेलमेंथिक किया जाता है। इस प्रिपरेशन को डाइल्यूट नहीं करना है वाटर के साथ। स्टोरेज, तो पाइप्राजिन सिट्रेट एलिक्सर को वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है, ड्राई और कूल प्लेस पे, जो कि डार्क भी होना चाहिए। इधर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल रहेगा, एक्सपायरी डेट रहेगा, बैच नंबर, LIC नंबर, MRP और मैन्युफैक्चरर का नेम। लास्ट में हम केमिकल क्लासिफिकेशन जानते हैं एंटी हेलमेंथिक ड्रग का। सबसे फर्स्ट है पाइप्राजिन का स्ट्रक्चर, ये होता है, इसके ड्रग को हम बाद में जानेंगे। सेकेंड जो है केमिकल क्लासिफिकेशन एंटी हेलमेंथिक का, वो है बेंज इमिडाजोल। थर्ड है हेट्रोसाइक्लिक। फोर्थ है नेचुरल प्रोडक्ट और फिफ्थ है एमाइड्स, सैलिसिलामाइड्स। इन सब में कौन कौन से ड्रग आते हैं वो जानते हैं। पाइप्राजिन में अभी हमने जिस प्रिपरेशन को पढ़ा वो है पाइप्राजिन सिट्रेट। एक और ड्रग आता है DEC, डाइइथाइल कार्बामिजाइन, जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम बेनोसाइट के नाम से आता है। बेंजिमिडाजोल में मोस्ट पॉपुलर एंटी हेलमेंथिक ड्रग अल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल भी है। हेट्रोसाइक्लिक्स में प्राजिक्विंटल है। नेचुरल प्रोडक्ट में आइवरमेक्टिन है, COVID-19 में बहुत एक्सटेंसिवली यूज हुआ था आइवरमेक्टिन। एमाइड्स में निक्लोसामाइड है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।